आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाटा टिगोर CNG। जब से टिगोर लॉन्च हुई है ना, इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस, सेफ्टी, फीचर सभी चीज़ मिल जाती थी, मगर एक चीज़ जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था ना, पब्लिक को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पब्लिक कंप्लेन भी कर रही थी भाई, वो है इसका बूट। अगर 2023 का जो लेटेस्ट वेरियंट आया है ना, अब आपको बूट स्पेस में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टिगोर के अंदर भी ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जैसे आपने एल्ट्रोजर पंच के अंदर देखी है ना, वैसे ही ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी यूज़ कर दी गई है। वेरियंट की बात करें तो भाई, इसके अंदर आपको चार वेरियंट देखने के लिए मिलेंगे CNG के अंदर। जो पर्टिकुलर देख रहे हो ना, ये XZ CNG वाला है, पेस से एक मॉडल ऊपर है। कलर की बात करें तो भाई, इसके अंदर आपको ना चार कलर देखने के लिए मिलने वाले हैं। सामने जो आप कलर देख रहे हो, एक वाइट कलर है। गाड़ी की वारंटी की बात करें तो भाई, इसमें आपको 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर वाली वारंटी भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। डिफरेंसेस में ज़्यादा कुछ आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले सामने देखोगे तो भाई, इसके अंदर आपको जो ग्रिल है ना, टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। जो ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलने वाली है। ट्रायरो का लोगो है। क्रोम की गार्निश जो है ना, वो आगे से लेके पीछे तक जाती हुई आपको देखने वाली है। हेडलाइट की बात करूँ तो भाई, इसके अंदर आपको हेलोजन रिफ्लेक्टर सेटअप में आपको हाई बीम लो बीम मिलने वाला है। इंडिकेटर भी आपको रिफ्लेक्टर वाला ही मिलेगा। ऊपर यहाँ पर ना, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, यहाँ पर थोड़ा क्रोमिश जो है ना, इसका लुक आता है, जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है मेरे को। तो नीचे मिल जाएगा इसमें टोइंग हुक। जो नीचे देखोगे ना, यहाँ पर इसमें जो मिल जाएंगे आपको फॉग लैंप। सराउंडिंग जो है ना, सिल्वर कलर से हो रखी है। पियानो ब्लैक के टचेस भी हैं। और जो नीचे वाला रेडिएटर ग्रिल है ना, वो आपको मैटी ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलने वाली। जो लुक्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं ना, कट्स हैं, आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी जो लुक है ना इसकी, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आती है। विड्थ की बात करूँ तो भाई, 1677 mm की इसमें आपको विड्थ देखने के लिए मिलने वाली है, और यहाँ पर मिल जाएगा CNG का लोगो। बात कर लेते हैं गाड़ी की लेफ्ट प्रोफाइल में, तो भाई लेफ्ट प्रोफाइल में सबसे पहले जो टायर है ना, उसमें आपको अलॉय देखने के लिए नहीं मिलते हैं, एक बेसिक टायर है। प्लस इसमें आपको व्हील कवर मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। MRF के टायर्स में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। टायर प्रोफाइल से इसकी बात करें तो 175/65R14 के इसमें आपको टायर देखने के लिए मिलेंगे। ORVM आपको पियानो ब्लैक में मिल जाते हैं। इंडिकेटर जो यहाँ पे लगा रखे हैं LED वाले। जो बी पिलर है वो आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलने वाला है। डोर हैंडल की बात करो तो भाई, डोर हैंडल पे आपको क्रोम की जो गार्निश है ना, वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है चारों में, जो बहुत ही बढ़िया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करो तो भाई, 37 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है, और CNG मिलने वाली है 60 लीटर वाटर कैपेसिटी की, यानी कि 9 से 10 किलो के आसपास इसमें आप आराम से CNG भरवा सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पेट्रोल और CNG वाला, और यहाँ पर लगी उसकी कंप्लायंस प्लेट, E20 पेट्रोल को भी ये सपोर्ट करती है। गाड़ी की लेंथ की बात करूँ तो भाई, लेंथ आपको सेम मिलने वाली है, लेंथ में कोई डिफरेंस आया नहीं है, ना ही इसकी हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस या व्हील बेस में डिफरेंस आया है। अब चलते हैं, बात करते हैं पीछे की। पीछे में भाई, इसमें लाइट आप कुछ ऐसे देखने के लिए मिलने वाली है। जो बैक की लाइट है वो इसमें आपको रिफ्लेक्टर सेटअप में मिलने वाला है, और जो इंडिकेटर है ना, वो भी आपको रिफ्लेक्टर सेटअप में देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर मिल जाएगा ICNG का लोगो। जो क्रोम की लाइन है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू हो रही है। बीच में टाटा का लोगो भी है, और लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा टिगोर की बैजिंग। यहाँ देखोगे तो भाई, इसमें पीछे ना, नीचे की साइड में आपको दो मिल जाते हैं इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर। जो नीचे की लाइट है ना, ये रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, और जो ये वाला है, ये आपके बैक की लाइट। नीचे जो क्रोम की गार्निश है ना, वो भी आपको बम्पर में देखने के लिए मिलती है। बम्पर जो है इसका आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलने वाला है। जो मेन डिफरेंस है ना, जो मेन चीज़ आया है, वो आया है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आने के बाद ना भाई, टिगोर के अंदर बूट स्पेस मिल चुका है। अब आपको कोई लंबी जर्नी पे जाना है तो अपना सामान इसके अंदर रख के और जा सकते हो भाई, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी इसके अंदर आने वाली है नहीं। पहले जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड आते थे ना, वैसे इसमें हाइड्रोलिक स्टड अभी भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट, यहाँ पर दो लाइट भी दे रखे हैं LEDs, जो नंबर प्लेट लाइट थ्रो करती हैं। ऊपर देखोगे तो भाई, यहाँ पर CNG का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। जो लाइट है ना ऊपर वाली, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है, बहुत ज़्यादा देखने में बढ़िया लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको पियानो ब्लैक के टचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। जो लाइट है ना, वो बहुत लंबी लाइट है, बढ़िया लग रही है। ऊपर मिल जाएगा एंटीना। बात कर लेते हैं दरवाजे की, तो भाई दरवाज़ा कैसा मिलने वाला है आपको? दरवाज़ा कुछ आपको देखने में ऐसा मिलने वाला है, ड्यूल टोन इसका मिल जाएगा डोर। यहाँ पर ऊपर ब्लैक है, नीचे जो बेज है उसके टचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के लिए जो हैंडल है, वो भी आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मिल जाएगा ग्रैब करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ थोड़ा हार्ड टच है। मिल जाएंगे पावर विंडो के बटन, 1 लीटर बॉटल की स्पेस यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर मिल जाएंगे स्पीकर की ग्रिल, और यहाँ पर मिल जाएगा कुछ इसका इंटीरियर। इंटीरियर की बात करें तो भाई, सबसे पहले जो हेडरेस्ट है ना, वो आपको फिक्स वाले देखने के लिए इसमें मिलने वाले हैं। जो एक बात चेक कर लेते हैं, हाँ भाई, इसके अंदर आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट के अंदर आपको ट्विन कप होल्डर्स है ना, वो भी देखने के लिए इसके अंदर मिलने वाले हैं। सीट की बात करो तो भाई, इसमें आपको
दो मिल जाएंगे नॉर्मल सीट बेल्ट। जो थर्ड पैसेंजर है उसके लिए आपको लैप वाली सीट बेल्ट देखने के लिए मिलने वाली है। तो थर्ड पैसेंजर है ना, थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ पे छोटा सा एड्रेस दे रखा है। अंदर की बात करें बैठ के, तो भाई सबसे पहले जो इसका नी रूम है ना, वो आपको कुछ इतना देखने के लिए मिलने वाला है। जो लेग रूम है वो भी काफी डिसेंट है। थाई सपोर्ट रूम है बोलो तो भाई काफी बढ़िया देखने के लिए इसमें मिलने वाला है। बीच में यहाँ पे कोई वेंट वगैरह नहीं दे रखा है। एक हम्प है जिससे थर्ड पैसेंजर को थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी इसमें आ सकती है बैठने में। ऊपर मिलेगा यहाँ पर एक हैंडल, इधर भी एक हैंडल दे रखा है, हुक इसमें नहीं दे रखा है और आगे भी हुक नहीं दे रखा है। यहाँ मिल जाती है इसकी लाइट, इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। व्हाइट कलर की लाइट जो है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। हेडरूम की बात करें तो भाई हेडरूम भी आपको काफी डिसेंट देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अंदर रिक्लाइन एंगल गाड़ी का जो है ना पीछे वाली सीट में बहुत बढ़िया है, आपको कंफर्टेबल फील होगा। गाड़ी के अंदर बैठने से पहले एक बार इसकी चाबी दिखाता हूँ। भाई चाबी आपको कुछ इसके ऐसे मिलने वाली है। लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाएगा, यहाँ से अपना बूट रिलीज कर सकते हो। ये फॉलो मी हेडलैम्प, टाटा का पीछे मिल जाएगा लोगो, काफी बढ़िया चाबी है। बिल्कुल सिमिलर चाबी जैसे आपको गाड़ी मिलती है ना टाटा की, वैसे ही मिलने वाली है। दोनों चाबी आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ मिल जाएगा आपको उसका ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए, यही मिल जाएगा लॉक अनलॉक करने के लिए ब्लैक कलर में दे रखा है। यहाँ पर मिल जाएंगे जो कंट्रोल्स है ना, वन टच अप वन टच डाउन फीचर आपको सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है, बाकी ड्राइवर में नहीं मिलता है। और यहाँ पर मिल जाएगा इसका हैंडल, ये आपको सॉफ्ट टच में देखने वाले मिलने वाला है, ये थोड़ा आपको हार्ड टच मिलेगा। यहाँ मिल जाएगा स्पेस अपनी बोतल वगैरह लगाने के लिए। स्पीकर यहाँ पर दे रखा है, अब इसको कर लेते हैं बंद। बंद करने के बाद भाई जो इंटीरियर है ना आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है, जो काफ़ी हद तक आपने टिगोर या टियागो के वेरिएंट्स देखे होंगे, सब में आपको ऐसा ही इंटीरियर जो देखने के लिए मिलने वाला है। अगर इसके अंदर आपको हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, पर्सनली स्पीकिंग हरमन का म्यूजिक सिस्टम जो इसमें मिल रहा है ना बहुत ही बढ़िया, इसकी पावर है बहुत बढ़िया, इसकी साउंड क्वालिटी आती है। हजार्ड का बटन यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है इसके अंदर, और यहाँ पर मिल जाएगा इसमें आपको बटन जैसे सीएनजी वाला है, तो यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है। मैं एक बार इसको ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। ऑन करने से पहले ना भाई एक चीज़ देखो, जैसे इसको मैं ऑन करूँगा ना तो यहाँ पर जो मीटर है ना इसमें आपको थोड़ी बहुत लाइटिंग जो है देखने के लिए मिल जाती है। जैसे फुल स्वाइप अप ये जाता है वैसे सारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होती रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड में सीएनजी का जो बटन है ना ये हो जाएगा ग्लो, ये मिल जाएगा बूट खोलने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए, डिफॉगर बोल सकते हैं, मैनुअल एसी का कंट्रोल्स। यहाँ पे मिल जाएंगे यूएसबी पोर्ट, ये एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ दे रखा है चार्ज करने के लिए। स्पेस मिल जाएगा सामान रखने के लिए, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, लेदर के इसमें दे रखा है कवर। जो सराउंडिंग है वो इसमें आपको सिल्वर या ग्रे जो है वो मैं बोल सकता हूँ वैसे आपको देखने के लिए मिलेगी। ट्विन कप होल्डर्स दे रखे हैं, मैनुअल हैंडब्रेक क्रोम की टिप है, और यहाँ पे मिल जाएगा एक 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ से फिर से अपनी जो चाबी है ना उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा स्पेस, जैसे अपनी बॉटल है या कुछ और सामान है यहाँ पर आप उसको रख सकते हो। ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई ग्लव बॉक्स काफ़ी डिसेंट वाला मिल जाएगा, प्लस इसमें कूल वाला जो फीचर है ना वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। IRVM जो है मैनुअल वाला मिल जाता है डे नाइट का। और यहाँ पे टोल सीट होल्डर मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में भी ना, लेफ्ट साइड में ना मिरर है ना लाइट आपको देखने के लिए मिलने वाली है, मगर हाँ ऊपर इसमें आपको एक माइक देखने के लिए ज़रूर मिल जाता है। हरमन का भी सिस्टम है भाई, ब्लूटूथ वाले फीचर इसके अंदर चल जाते हैं, बेसिक सिस्टम है, ज़्यादा एंड्रॉयड ऑटो एप का प्ले जिस फीचर है ना वो इसमें नहीं मिलते हैं, मगर साउंड आउटपुट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इसका। मीटर की बात करें तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है इसका टैकोमीटर, जो ऊपर बार्स देख रहे हो ना ये मिल जाते हैं आपको CNG के, और ये मिल जाते हैं पेट्रोल के बार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना आपको इसमें मिलने वाला है डिजिटल, तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। लेफ्ट हैंड वाला बटन दबाते तो क्या क्या मिलता है, ट्रिप ए ट्रिप बी जो है ओडोमीटर यहाँ से आ जाता है। लेफ्ट वाला बटन अगर मैं दबा के देखता हूँ तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, टाइम जो है उसको आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो भाई ये पुश बटन स्टार्ट वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको बटन मिल जाएगा गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए। क्रोम के यहाँ पे सराउंडिंग्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। स्टीयरिंग की बात करो तो भाई ये एक डी कट स्टीयरिंग व्हील है, पियानो ब्लैक जो इसके टचेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए बटन, राइट हैंड साइड में कोई बटन नहीं है, मगर यहाँ पर एक हॉर्न देखने की जरूर मिल जाएगा। टाटा का लोगो यहाँ पर दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं स्टीयरिंग को, ये ऊपर नीचे आगे पीछे होता है कि नहीं होता है। हाँ ऊपर नीचे ही हो रहा है, यानी कि आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर ना आपको क्लच ब्रेक एक्सलेटर मिल जाएगा, डेड पेडल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से अपना पेट्रोल का जो टैंक है ना उसको खोल सकते, और यहाँ से खोल सकते हो इसका बोनेट। तो भाई गाड़ी का बोनेट हमने यहाँ पे खोल दिया है। ऊपर मिल जाएगा इंसुलेशन के लिए कपड़ा वगैरह। जो इंजन है ना इसमें आपको 3 सिलेंडर का 1200 CC इंजन देखने के लिए मिलता है, जो काफी रिलायबल और पावरफुल इंजन है। इसकी पावर कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो भाई इसमें आपको 72 BHP मिल जाती है 6000 RPM पे, 95 Nm का टॉर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा 3750 RPM पे। भाई प्राइसिंग की बात करें जो CNG वेरिएंट है ना वो शुरू होते हैं 7,80,000 रुपीज़ से, और जो टॉप मॉडल है ना वो पड़ता है आपको 8,95,000 रुपीज़ का। जो पर्टिकुलर वेरिएंट की बात हम कर रहे थे ना XZ की, ये आपको पड़ता है 8,20,000 रुपये का, एक्स शोरूम फरीदाबाद हरियाणा की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। भाई ये था
टाटा टिगोर एक्सी वेरिएंट की डिटेल रिव्यू। अगर आपको चाहते हो या कोई वेरिएंट स्पेसिफिक आपके दिमाग में है कि भाई मुझे इस वेरिएंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। प्लस आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए, वो भी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, जल्दी मिलूंगा किसी नई गाड़ी नई बाइक की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।